गुड मॉर्निंग बॉयज एंड गर्ल्स, आज हम नाइन्थ क्लास की प्रश्नावली 1.2 लेंगे। हमने 1.1 कंप्लीट कर ली थी, उसके क्वेश्चंस भी कर लिए थे। आज हम लेंगे प्रश्नावली 1.2। तो समझ लेना, नाइन्थ की प्रश्नावली कौन चल रहे थे, पहली चल रहे थे, उस पहली का आज हम लेंगे 1.2। बोले 1.2 पढ़ने से पहले हमें कुछ चीज़ों के बारे में, कुछ परिभाषाओं के बारे में जानना जरूरी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखें वास्तविक संख्या है, कौन सी संख्या है वास्तविक संख्या, ये क्या होती है। पहले वो हमने परिमेय संख्याओं के बारे में पढ़ लिया है, अब हम पढ़ते हैं वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या का या रियल नंबर, समझ गए, इसका मतलब होता है कि ऐसी संख्या है जिसमें परिमेय संख्या भी हो और अपरिमेय संख्या दोनों हो। क्या हो? परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या भी हो और अपरिमेय संख्या भी हो, इन दोनों संख्याओं को हम कॉमन रूप से क्या कहेंगे, वास्तविक संख्या कहेंगे। यानी जिसमें परिमेय संख्या भी हो और क्या हो, अपरिमेय संख्या भी हो, उसे हम क्या कहेंगे, वास्तविक संख्या। यानी ऐसी संख्या है जिनमें परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय, यानी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों संख्या है, तो उनको हम क्या कहेंगे, वास्तविक संख्या कहेंगे, यानी रियल नंबर कहेंगे। अब परिमेय संख्या तो हमने पढ़ ली है, यानी ऐसी संख्या है जिसको p बटा q के रूप में लिखा जाए और जिसमें q नॉट इजिकल टू जीरो हो, वो परिमेय संख्या हो। आई बात सुन में, अपरिमेय संख्या भी मैंने कल आपको लिखा था, अपरिमेय संख्या का मतलब ऐसी संख्या जिनमें भाग निरंतर चला जा रहा है, इसमें भाग रुकने का नाम नहीं ले रहा है, जिनको हम p बटा q के रूप में लिखते जरूर है लेकिन उनको दशमलव प्रचार जो है वो आगे बढ़ता रहता है, ऐसी संख्याएं जिनमें भाग देने पर उनकी संख्या क्या है, उनमें भागफल जो है या जो उनका दशमलव प्रचार है वो आगे बढ़ता रहे, ऐसी संख्याओं को हम क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे भाई मैंने लिखा पाई, ये एक अपरिमेय संख्या है क्योंकि इसका मान होता है 3.14 और ये आगे बढ़ता रहता है। जैसे अंडर रूट दो का मान क्या होता है, अंडर रूट दो का मान 1.414, लेकिन ये आगे बढ़ता रहता है। जैसे अंडर रूट तीन का मान क्या होता है, 1.732, लेकिन ये आगे बढ़ता रहता है। ये ऐसी संख्या है जिनका मान फिक्स नहीं होता है, इनका जो अगर हम वर्गमूल निकालने जाएं तो ये आगे, या इनका दशमलव प्रचार हम ज्ञात करने जाएं तो ये आगे बढ़ता रहेगा। यानी ऐसी भी संख्या होती है, बट्टे वाले अंश और हर में इसको हम लिखते जरूर हैं लेकिन इनका जब हम भागफल कर, जब इनमें भाग देने जाएंगे और उसका जब आंसर आएगा तो आगे बढ़ता रहेगा, मतलब रुकने का नाम नहीं लेगा, उसे हम कौन सी संख्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या। यानी सारी जो अभाज्य संख्या है, उन अभाज्य संख्याओं का जब हम वर्गमूल करते हैं तो वो सारी संख्या क्या कहलाएगी, आपकी अपरिमेय संख्या कहलाएगी। पाई क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। अब इन संख्याओं के साथ अगर किसी दूसरी संख्या का गुणा हो या उसमें से प्लस हो या उसमें माइनस हो या उसमें भाग हो तो वो संख्या भी क्या बन जाएगी, अपरिमेय संख्या। यानी अपरिमेय संख्याओं के साथ योग, अपरिमेय संख्याओं के साथ माइनस, अपरिमेय संख्याओं के साथ गुणा या अपरिमेय संख्याओं के साथ भाग करने पर हमें अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होगी। तो अपरिमेय संख्या समझ गए, परिमेय संख्या को तो हमें पता ही है। अब ये दो तरीके की होती है, देखो परिमेय संख्या को हम क्या कहते हैं, ये जो परिमेय संख्या होती है इसको हम शांत भी कहते हैं या इसका नाम हम कहते हैं परिमेय संख्या। तो वास्तविक संख्या समझ गए, वास्तविक संख्या का मतलब जिसमें परिमेय संख्या भी हो अपरिमेय संख्या भी, उन संख्याओं को हम क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या। अपरिमेय संख्या मैंने बता दी पाई, अनुरूप जिनका कोई फिक्स मान नहीं होता, इनका जब वर्गमूल या इनमें भाग देने जाए तो इनका दशमलव प्रचार रुकता नहीं है, आगे बढ़ता रहता है, उन संख्याओं को हम कहेंगे अपरिमेय संख्या। यानी जिनको परिमेय संख्याओं के रूप में हम नहीं लिख सकते वो क्या कहलाएगी, अपरिमेय संख्याएं कहलाएगी, ठीक है। अब देखो, अब जो अपरिमेय संख्या, ये दो तरीके की होती है। परिमेय संख्या क्या होती है, देखो परिमेय संख्या में दो तरीके, एक तो होती है शांत, एक तो शांत परिमेय संख्या होती है और एक होती है अनवसानी आवर्ती, अनवसानी आवर्ती या इसका नाम है पुनरावर्ती, अनवसानी आवर्ती या पुनरावर्ती। और अपरिमेय संख्या जो है, इस अपरिमेय संख्या का मैं दूसरा नाम इसको कहूंगा अपरिमेय संख्या, ये कहूंगा अशांत, अशांत भी होती है, यानी अशांत
या भी अनवसानी अनावर्ती, अनवसानी अनावर्ती। आई बात समझ में? अब देखो इसमें क्या है, इसका नाम क्या, शांत का मतलब होता है कि अगर हम किसी संख्या में भाग दें तो उसका फिक्स आंसर आए, इसको हम कहेंगे शांत। शांत का मतलब जैसे भाई देखो मैंने लिख दिया, मैंने लिखा एक बट्टा दो, परिमेय संख्या है लेकिन भाग दूंगा तो क्या आएगा 0.5। जैसे मैंने लिखा चार बट्टा दस, भाग दूंगा तो क्या आएगा 0.4। तो इनका फिक्स आंसर, कुछ दशमलव पर चार के बाद इनका फिक्स आंसर आता है तो उसको हम कहते हैं शांत है। ये क्या है? शांत परिमेय संख्या है। अब अनवसानी आवर्तियां, पुनरावृत्ति का मतलब क्या है? अनवसानी आवर्ति का मतलब जैसे भाई भाग दे रहे हैं हम, लेकिन भाग जैसे भाई मैं कह रहा हूं एक के अंदर मैं तीन का भाग दे रहा हूं, एक के अंदर तीन का भाग दूं तो क्या आएगा 0.33। ये आता रहेगा 3 3, ये आगे आता रहेगा। तो इसको मैं कैसे लिखूंगा? इसको मैं लिखूंगा 0 पॉइंट और तीन के ऊपर बार लाइन डाल दूंगा, तीन के ऊपर ये क्या डालूंगा मैं, बार लाइन। इसका मतलब क्या हुआ कि ये तीन तीन की क्या हो रही है, पुनरावर्ती हो रही है, आवर्ती हो रही है। तो अनवसानी आवर्ती यानी तीन तीन बार बार आ रहा है, यानी कोई संख्या जैसे भाई मैंने किसी संख्या के अंदर ऐसे लिख दिया, कोई संख्या मान लिया ऐसे आई 0.10, फिर वापस 10, फिर वापस 10 और डैश डैश आगे बढ़ रहा है। तो मैं इसको क्या लिख दूंगा 0.10 के ऊपर डाल दूंगा बार लाइन। इस बार लाइन का मतलब क्या हुआ कि 1010 बार बार आ रहा है, 1010 बार बार। तो इसको हम क्या कहते हैं? अनवसानी आवर्ती। आवर्ती का मतलब किसी संख्या की बार बार आवर्ती हो रही है, पुनरावर्ती। यानी बार बार क्या हो रही है? आवर्ती, यानी तीन बार बार आ रहा है, 1010 बार बार आ रहा है। तो इसके ऊपर हमने क्या डाल दी? बार लाइन डाल दी। इसका मतलब ये क्या कहलाई? अनवसानी आवर्ती। और इसको ही हम क्या कहते हैं? परिमेय संख्या भी कहते हैं। तो एक तो इस तरीके की होगी और एक इस तरीके की होगी। हम भाग देंगे, भाग जरूर जाएगा लेकिन दशमलव के बाद उस संख्या की पुनरावर्ती होगी। तो पुनरावर्ति को रोकने के लिए हम उसके ऊपर क्या लगा देते हैं? बार लाइन लगा। इसका मतलब क्या हुआ? इस बार लाइन का मतलब हुआ कि तीन तीन बार बार आ रहे हैं, तीन तीन बार बार आ रहे हैं। इस कारण से यहां पर बार लाइन हमने लगा दी, इसको रोकने के लिए कि भाई तीन तीन बार बार आ रहा है, पता चल गया कि यहां तीन तीन की क्या हो रही है? पुनरावर्ती हो रही है। इसको हम कहेंगे अनवसानी आवर्ती। अब अशांत का अंदर मतलब क्या होगा? अशांत को अनवसानी आवर्ती, यानी इसमें संख्याओं की पुनरावर्ती नहीं होगी। जैसे भाई मैं कह रहा हूं कि कोई संख्या मैंने ऐसे लिख दी 0.101, फिर 00 आ गया, फिर 000 आ गया, मतलब इस तरीके से ये आगे बढ़ रहा है, रुकने का नाम नहीं ले रहा है, तो उसे हम कहेंगे अशांत या अनवसानी अनावर्ती। कि इसका कोई फिक्स आंसर नहीं आ रहा है, इनका मान आगे बढ़ रहा है। जैसे पाई का मान है, जैसे अनरूट दो का मान है, जैसे अनरूट तीन का मान है, यानी अभाज्य संख्याओं का वर्गमूल जो होता है वो अपरिमेय संख्याएं होती है, और इन्हें हम कहते हैं अनवसानी अनावर्ती। अनावर्ती का मतलब कि बार बार अब आवर्ती नहीं हो रही है, भाग आगे बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, समझ गए? दशमलव पर चार उसके बढ़ते जा रहे हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे? अनवसानी आवर्ती या अपरिमेय संख्याएं कहेंगे। तो ये बात समझ में आ गई आपको? चलो, तो ये हो गई परिमेय संख्या और ये हो गई अपरिमेय संख्या। अब देखो, तो उसको हम दूसरा नाम क्या कैसे हैं? अनवसानी आवर्ती, जिसकी बार बार पुनरावर्ती हो। अनवसानी अनावर्ती का मतलब अपरिमेय संख्या जिसमें भाग आगे बढ़ता ही रहता है। अब देखो पहला क्वेश्चन क्या पूछा है। अब हमें 1.2 प्रश्नावली कौन सी लेते हैं हम? 1.2। इसमें पहले क्वेश्चन में हमें सत्य असत्य पूछा है। नीचे दिए गए कथन सत्य या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर भी दीजिए। आप अपने बुक्स में जरूर देखना, मैं पहला क्वेश्चन डायरेक्ट लिख रहा हूं। क्या लिखना है इसमें? सत्य या असत्य बताना हमें, कि सत्य है या असत्य है। ये हम पूरा सही तरीके से इसको चेक करेंगे। देखो पहला क्वेश्चन क्या कहा है? प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। देखो क्या कहा है? प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है। प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है। देखो इसको चेक करते हैं, होती है कि नहीं होती है। ये क्वेश्चन सत्य कहना है क्या सत्य? देखो मैंने भी क्या कहा कि वास्तविक संख्या का मतलब क्या होता है, वास्तविक संख्या का मतलब क्या होता है? परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या, यही तो कहा है मैंने, परिमेय प्लस अपरिमेय, ये आपको मैंने कहा है। आई बात समझ में? अब आप देखो, मैं कहूंगा कि सभी वास्तविक संख्या, अब इसको समझना, इन दोनों को समझना ताकि इसका उत्तर अपने पास आ जाए। मैं कह रहा हूं सभी वास्तविक संख्या क्या परिमेय संख्या है
भाई वास्तविक संख्या में क्या आएगा, देखो ऐसी बात, वास्तविक संख्या में ये भी आएगा, जैसे मैंने लिखा एक बट्टा थी दो, एक बट्टा दो लिखा, ये परिमेय संख्या है, और मैंने पाई लिखा, ये भी परिमेय संख्या है, ये अपरिमेय संख्या है। तो वास्तविक संख्या में क्या आएगी, देखो मैं कहूंगा कि सारी परिमेय संख्या वास्तविक संख्या, आप कहोगे यस सर सभी परिमेय संख्या को हम वास्तविक संख्या कह सकते हैं, सभी अपरिमेय संख्या को भी वास्तविक संख्या आप कह सकते हो क्या? बिल्कुल भाई, यहाँ पाई वाई सभी सभी वास्तविक संख्या तो है ना, और सभी परिमेय संख्या को भी वास्तविक संख्या हम कह सकते हैं, सारी परिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है, सारी अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या। लेकिन अब ये क्या, मैं क्वेश्चन क्या कह रहा हूं, सभी वास्तविक संख्या क्या परिमेय संख्या होगी? अरे भाई वास्तविक संख्या में तो अपरिमेय संख्या भी आएगी, वास्तविक संख्या में तो अपरिमेय संख्या भी आएगी, ये अपरिमेय संख्या भी आई, बताओ क्या इस सबको मैं परिमेय कह दूं? अरे इसको परिमेय कैसे कहोगे, ये तो अपरिमेय है। तो इसका मतलब हुआ कि सभी वास्तविक संख्या परिमेय संख्या नहीं हो सकती, और सभी वास्तविक संख्या को क्या मैं अपरिमेय कहूंगा? नहीं भाई, अपरिमेय कहूंगा तो अपरिमेय ये तो हो जाएगी, लेकिन ये अपरिमेय कहां से होगी, ये तो परिमेय संख्या है, यानी ये वास्तविक संख्या टोटली परिमेय संख्या और ये वास्तविक संख्या टोटली अपरिमेय संख्या नहीं हो सकती। जब मैं ये कह के प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या होती है तो कहोगे नहीं, आप कहोगे प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या होती है तो आप कहोगे नहीं आंसर। लेकिन इधर से पूछे प्रत्येक परिमेय संख्या वास्तविक संख्या होगा, राइट, प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होगी, राइट, क्योंकि सारी अपरिमेय संख्या को हमने वास्तविक संख्या कहा है, सभी परिमेय संख्या को हमने वास्तविक संख्या कहा है, लेकिन सभी वास्तविक संख्या परिमेय संख्या नहीं हो सकती और सभी वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या भी नहीं हो सकती। यानी इनको लेकर अगर ये कहे तो हो सकता है, ये अगर ये कहे तो नहीं हो सकता। आई बात समझ में? क्योंकि वास्तविक संख्या में अपरिमेय भी आएगी, परिमेय तो किसी एक को हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं। आई बात समझ में? तो इसका मतलब सभी परिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है, सभी अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है, लेकिन सभी वास्तविक संख्या परिमेय संख्या नहीं होती, सभी वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या भी नहीं होती, क्योंकि वास्तविक संख्या में तो परिमेय अपरिमेय दोनों ही आती है। तो मुझे अब आप ये बताना, पहला देखो क्या कह रहा है, ये क्या कह रहा है बताओ, प्रत्येक अपरिमेय संख्या यानी प्रत्येक अपरिमेय संख्या क्या वास्तविक संख्या होती है? बिल्कुल, सभी अपरिमेय संख्या तो वास्तविक संख्या होती है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा, सभी वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या होती है। लेकिन अगर मैं उल्टा पूछ लिया होता सभी वास्तविक संख्या अपरिमेय होती है, तो आप कहोगे गलत, प्रत्येक अपरिमेय संख्या तो वास्तविक संख्या होती है, तो सत्य हो गया। दूसरा इसने कहा है संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु अनुरूढ़ m के रूप का होता है, अनुरूढ़ m के रूप का होता है, जहां m एक प्राकृत संख्या है, जहां क्या है, जहां m एक प्राकृत संख्या है। तो बताओ क्या प्रत्येक बिंदु अनुरूढ़ एम के रूप का होता है? नहीं, प्रत्येक बिंदु अनुरूढ़ एम के रूप का नहीं होता है। देखो कैसे कि संख्या रेखा पे हम सब बिंदु को दर्शाते हैं, लेकिन अपरिमेय संख्या को कैसे दर्शाएंगे? तो देखो अनुरूढ़ एम के रूप का सब बिंदु कहां से हुआ, अनुरूढ़ एम का मान मैं लिख देता हूं, जैसे एम का मान एक हो गया, दो हो गया, तीन हो गया, चार हो गया, पांच हो गया, छह हो गया, सात हो गया, आठ हो गया और नौ हो गया। अब सब अनुरूढ़ m के रूप का होता है, कहाँ होगा अनुरूढ़ m के? देखो अनुरूढ़ m मैंने लिखा एक, तो एक की वैल्यू तो एक होती है, एक की वैल्यू तो क्या होती है, एक होती है। यानी संख्या रेखा प्रत्येक बिंदु अनुरूढ़ m के रूप का होता है, जहाँ m एक प्राकृत है। नहीं, देखो अनुरूढ़ एक का तो वर्गमूल कितना आ गया, एक, इसको दर्शा सकते हैं। लेकिन जैसे ही मैं अनुरूढ़ दो लिखूंगा तो इसका मान 1.414 आएगा, तो जो आगे बढ़ता रहेगा इसको मैं संख्या रेखा पे कैसे दर्शाऊंगा, फिक्स मान तो दर्शा ही नहीं सकता। इसका मतलब प्रत्येक संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु अनुरूढ़ एम के रूप का होता है, जहां एम एक प्राकृत संख्या है। क्या यह सही है? नहीं, ये क्या है, असत्य। प्रत्येक संख्या अनुरूढ़ एम के रूप की, क्योंकि किसी किसी का तो हमें वर्गमूल भी होता है, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। संख्या रेखा का प्रत्येक जो है वो अनुरूढ़ एम के रूप का नहीं होता है, समझ गए? क्योंकि अनुरूढ़ दो को मैं संख्या रेखा पे नहीं दर्शा सकता, ये तो 1.414 आगे बढ़ती रहती है, तो फिक्स मान कैसे आप दर्शा सकते हो? हाँ, इसका एक मान फिक्स करके आप दर्शा सकते हो, वरना नहीं। तो इस तरीके से इसका मतलब
संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु अंडूड एम के रूप का नहीं होता। अब एम आ गया तो इसका वर्गमूल तो एक हुआ, तो ये अंडूड एम के रूप में थोड़ी ना हुआ, इसका वर्गमूल तो कितना हुआ एक। अब जैसे अंडूड एम यानी चार आ गया तो चार का वर्गमूल कितना हो गया, चार का वर्गमूल तो दो हो गया, आई बात समझ में। तो सभी अंडूड एम के रूप में नहीं हो सकते, या सभी अंडूड एम को हम संख्या रेखा पर भी नहीं दर्शा सकते, आई बात समझ में। तो ये क्या हो गया, असत्य हो गया। चलो अब हम आते हैं इसका तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्या है, तीसरा का है प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। देखो क्या कहा, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय। देखो क्या कहा, प्रत्येक वास्तविक संख्या, अब पहले वास्तविक संख्या पूछी वो अपरिमेय संख्या होती है। अरे भाई प्रत्येक वास्तविक संख्या की बात करूंगा तो वास्तविक संख्या में तो परिमेय भी आएगी अपरिमेय भी आएगी, तो परिमेय संख्या को मैं अपरिमेय संख्या कैसे कहूंगा, इसका मतलब ये क्या है, असत्य है। क्या है, असत्य है। ये भी क्या है, असत्य। प्रत्येक वास्तविक संख्या को आप अपरिमेय संख्या नहीं कह सकते, यानी प्रत्येक अपरिमेय का तो वास्तविक कह सकते हो, लेकिन प्रत्येक वास्तविक संख्या में तो परिमेय और अपरिमेय दोनों आएगी, अपरिमेय को भी हम अपरिमेय कैसे कहेंगे, इसका मतलब ये क्या है, रॉन्ग है। अभी बात सुनिए, तो ये पहला क्वेश्चन हो गया। अब आते हैं हम दूसरे क्वेश्चन पे, इसके दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। देखो अब दूसरा क्वेश्चन आते हैं, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं। क्या लिखा है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं। ये पूछ रहा है क्या सभी ध्यान बनाऊंगा अपरिमेय, यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो परिमेय संख्या, ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो परिमेय संख्या है, जो क्या है, परिमेय संख्या। अब देखो क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं। तो देखो धनात्मक पूर्णांक हम सवाल इसको करते हैं तो सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते, जैसे एक, ये दो, ये तीन, ये चार, ये पांच, ये छः, ये सात, आठ और नौ, इतने ही हमने देख लिए। तो देखो क्या हुआ, मैं इन सभी के क्या करूंगा वर्गमूल, ये अंडरूट डाल दिया सभी के ऊपर, ये अंडरूट, ये अंडरूट, ये अंडरूट और ये अंडरूट। तो बताओ इसने क्या कहा, सभी धनात्मक पूर्णांक, ये सारे धनात्मक पूर्णांक इनका हम क्या कर रहे हैं, वर्गमूल। तो वर्गमूल क्या होगा, अपरिमेय। तो सभी का वर्गमूल अपरिमेय का मतलब क्या हुआ कि इनका वर्गमूल हम निकाले तो उसका आंसर आगे बढ़ता रहेगा क्या, नहीं, सभी का नहीं। देखो एक का वर्गमूल कितना होता है, एक, इसका तो फिक्स मान आ गया, इसका मतलब एक ऐसे संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो परिमेय संख्या है। तो अंडरूट एक का वर्गमूल कितना हुआ, एक। हाँ अंडरूट दो का फिक्स मान नहीं होता है, अंडरूट तीन का नहीं होता है, लेकिन अंडरूट चार का वर्गमूल कितना हो गया, दो। तो ये अपरिमेय थोड़ी ना है, ये तो क्या है, परिमेय। तो इसने तो क्या है कि सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं, तो हम क्या लिखेंगे, नहीं। आंसर क्या लिखेंगे, नहीं, सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं। देखो एक का वर्गमूल एक हो गया, अंडूर चार का वर्गमूल दो हो गया, अंडूर नौ का वर्गमूल कितना हो गया, तीन। इसी प्रकार अगर मैं देखूँ तो अंडूर सोलह का वर्गमूल कितना होता है, चार। अंडूर पच्चीस का वर्गमूल पाँच, अंडरूट उनपचास का वर्गमूल सात। यानी सभी धनात्मक पूर्णांक जो है उनका वर्गमूल
अपरिमेय नहीं होता। अपरिमेय का मतलब क्या, उनका दशमलव प्रचार बढ़ता रहता है क्या, उनका आंसर नहीं। एक का वर्गमूल एक हो गया, चार का वर्गमूल दो हो गया, नौ का वर्गमूल तीन हो गया, सोलह का चार, पच्चीस का पांच, उनपचास का सात। इसका मतलब सभी धनात्मक पूर्णांकों का वर्गमूल अपरिमेय नहीं होता है। तो कुछ एग्जाम्पल बताओ, ये रहा अंडूड एक, अंडूड चार, अंडूड नौ, अंडूड सोलह, अंडूड पच्चीस, अंडूड उनपचास, जिनका वर्गमूल फिक्स मान होता है। तो आई बात समझ में। तो ये हमने 1.2 का कौन सा क्वेश्चन कर लिया, पहला, और दूसरा ये आपको अपनी कॉपी में अच्छी तरीके से नोट करना है और जो मैंने बताया उस तरीके से, ठीक है ना, सत्य असत्य लिखे और जो भी अगर उनका सॉल्यूशन मैंने बताया तो वो सॉल्यूशन भी आपको लिखना है। कल हम आगे इसके क्वेश्चंस करेंगे, क्वेश्चन नंबर थर्ड, जिसके अंदर हमें सही तरीके से उसके क्वेश्चंस को दर्शाना होगा, तो उस तरीके से हम उस क्वेश्चंस को करेंगे। तीसरे को जिसको संख्या रेखा पे हमें उस संख्या को अंडूड वाली संख्या को किस तरीके से दर्शाते हैं वो हम बताएंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो हम कल अपलोड करेंगे, इसको अपनी कॉपी में नोट करें अच्छी तरीके से, सुंदर राइटिंग में। धन्यवाद।